दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। 26 दिसंबर को पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में हुई गोलीबारी के मामले को लेकर मृतक शाहिद के परिजनों ने कल मंगलवार के दिन ईस्ट दिल्ली के डीसीपी दीपक यादव को पत्र देकर जान रक्षा की गुहार लगाई है। इन लोगों का कहना है कि हमारे पास हफ्ते भर के अंदर दो धमकी भरे पत्र आ चुके हैं जिसमें परिवार को जान से मारने की धमकी लिखी है। पीड़ित परिवार ने धमकी वाले पत्र पुलिस के हवाले कर दिए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में लग गई है। आपको बता दें कि 26 दिसंबर की गोलीबारी में शाहिद नाम के व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। धमकी भरे पत्र आने से घर की महिलाएं व बच्चे डरे हुए हैं। पीड़ित कल मंगलवार को ईस्ट दिल्ली के डीसीपी से मुलाकात करने पहुंचे थे, मगर डीसीपी के रीडर ने मीटिंग कर मामले की जांच का भरोसा दिलाया। जी, कल मेरे घर पर जमाल ने लेटर भेज के धमकी दी है कि भाई अशफाक, साईं बाबा को समझा ले तू, नहीं तो तेरे साथ भी वही असर होगा। शाहिद का हुआ है जी, साई साई सईद नाम है, सईद शाहिद भाई के फादर, उनके नाम से धमकी। आज डीसीपी साहब के ऑफिस में आए हैं जी। हम डीसीपी साहब के ऑफिस में मुलाकात हुई हमारे डीसीपी के रीडर से। उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी बाहर हैं, जो घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ़ जल्द से सख्त कार्रवाई होगी। जब से ये हादसा हुआ है तब से ही इनके साथ ही भागदौड़ में कर रहा हूँ। पुलिस ने जो 5 आरोपी अरेस्ट करे हैं उनमें से 2 आरोपी मेन हैं, बाकियों की हमने अभी शिनाख्त नहीं करी है, ना हम ये कह सकते हैं कि भाई मेन हत्या में शामिल यही थे। जो हत्या में शामिल वो धमकी दे रहे हैं पत्र भेज के कि भाई आपको जान से मार दिया जाएगा, नहीं तो हमारे नाम निकलवाओ इसमें से। इससे ये हमें जाहिर हो रहा है कि इनके अंदर पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है, जो कि सरेआम लेटर भेज के अब भी धमकियां दे रहे हैं और खुद फरार हैं। धमकी दी थी और दोबारा इन्होंने धमकी का लेटर भेजा है। पहले जावेद ने धमकी दी थी, लेटर भेजा था डाक के जरिए, और अब जमाल ने लेटर भेजा है। तो इसका मतलब हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है सही से, जैसे हम चाहते हैं उस तरीके से नहीं हो पा रही है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई अच्छे से हो और वो सब लोग पकड़े जाएं। ये धमकी दे रहे हैं जमाल, ये कौन है, ये कौन है? ये पहली बार तो आम झगड़ा था, आम झगड़े में उन्होंने बदमाशी दिखाई है और अब तो बदमाश ही हैं वो। जब उन्होंने हमारे भाई को मार दिया तो बदमाश है हमारे नियत, और बार बार हमें धमकी पे धमकी दे रहे हैं हमें।